इसीलिए तो मैं आपको करने को बोल रहा हूं, यदि ये वाला काम अपने आप हो चुका होता। हाँ जी बताइए। जैसे सर रणधीर भल्ला जी ने अपनी बुक में लिखा है कि जी जो भी अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे वो बाहर हो जाएंगे कुछ आने वाले टाइम में, साल दो साल के अंदर अंदर। ओके ठीक बात है ओके। जी। जैसे जिसने कैसेट पर से सीधा सीडी पे नहीं आए तो बाहर हो गए, अपने जी आप को सीडी से भी चिप पे नहीं आए तो बाहर हो गए। जी तो इसी तरह से जो एजेंट्स भी जो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे बाहर हो जाएंगे साल दो साल के अंदर ऑटोमेटिक। हो रहे हैं, हो जाएंगे, नहीं हो रहे हैं आज के बिल्कुल समय में। सर। जो एजेंट ऑनलाइन आनंदा, हाँ, जो कस्टमर को ऑनलाइन आनंदा की फैसिलिटी दे रहे हैं, उनका आनंदा पे बिक रहा है। आप ये सोचो कि बिल्कुल यदि सर उनका बिक रहा है तो इसका मतलब कई सारे लोगों का उसकी वजह से नहीं बिक रहा है। आप ये सोचो जो बिल्कुल ऑनलाइन सर ट्रांसफर कर पा रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो पुराने तरीकों से करने में लगे हैं उनका नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट तरीकों से जो कस्टमर को मैक्सिमम सर्विस देगा, जो कस्टमर का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेगा, वही टिकेगा। पुराने तरीकों से काम करने वाले लोग डायनासोर की तरह खत्म होने वाले हैं। एचएमटी खत्म हो गया, मारुति ने समय से अपने आप को बदल दिया, इस वजह से मारुति अभी तक चल रहा है। अम्बेसडर बहुत सारी पद्मिनी कंपनियां खत्म हो गई। अम्बेसडर हाँ जी क्या? पद्मिनी खत्म। हाँ तो अभी हमको क्या बनना है? हमको पद्मिनी बनना है या तो हमको मारुति बनना है? मारुति समय के हिसाब से बदल गई, इस वजह से अभी तक चल रही है। जो टीवी से एलसीडी पे एलईडी पे नहीं आए वो भी खत्म। हाँ जी, एक से एक शानदार कंपनियां, बहुत ही शानदार, एक से एक बढ़िया कंपनियां समय के हिसाब से नहीं बदल पाई। माइक्रोसॉफ्ट समय के हिसाब से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड बेस्ड यदि नहीं ला पाया तो गूगल ने उसको, नोकिया एक फोन कंपनी थी, हर एक के हाथ में नोकिया का फोन हुआ करता था। समय के हिसाब से जबरदस्त नोकिया नहीं आया कि एंड्रॉइड के अंदर हमको जाना चाहिए। नोकिया एंड्रॉइड के अंदर नहीं आया, गूगल ने सारा का सारा मार्केट कैप्चर कर लिया। आज की डेट में 215 करोड़ फोन एंड्रॉइड पे चलते हैं। हमने यदि समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला तो हम खत्म होने ही वाले हैं, इसके अंदर कोई हैरानी की बात नहीं है। और एक चीज नहीं है जो हमें बदलनी है, हमें हजारों चीजें अपने अंदर जो कि बदलने की जरूरत है। अब क्या क्या बदलने की जरूरत है, मेरे ख्याल से अपने आप खुद डिसीजन सभी लोग करें तो ज्यादा अच्छा है। और यही सुबह सुबह यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद रहता है कि यहाँ पर क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, क्या क्या नया सीखा जा सकता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करें और इमीडिएटली उसको करना शुरू करें। हमें बेसिक्स को भूलना नहीं है, ऐसा ना हो कि हम नए चेंजेस इंप्रूवमेंट करने के चक्कर में ऐसा कर दें कि हम बेसिक्स को ही भूल जाएं। आज की डेट में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। आप व्हाट्सएप आज की डेट में व्हाट्सएप पर आप वीडियो प्रेजेंटेशन पॉलिसी का कर पाने चाहिए। आप जूम कॉल पे पॉलिसी प्रेजेंटेशन कर पाने चाहिए। आप फोन पर पैसा मांगने के काबिल होने चाहिए। आप व्हाट्सएप पर पैसा मांगने के काबिल होने चाहिए। ये सब बातें यदि आपने नहीं सीखी तो भाई टिकोगे कहाँ से मार्केट के अंदर? पुराने तरीकों से कब तक बेचते रहोगे? नए तरीके जब तक सीखोगे नहीं तो ठीक है, पुराने तरीकों की तो लिमिटेशंस होती है। पुराने तरीकों से ठीक है कुछ हद तक बेच लोगे, लेकिन कब तक? वो तरीके ज्यादा लंबे चल नहीं पाते हैं। बिग बाजार पुराने तरीकों से चलता रहा, 24,000 करोड़ में रिलायंस ने परचेज कर लिया उसको। पुराने तरीकों से चलता रहा, उसने पुराने तरीकों से रिटेल मार्केटिंग करने का कोशिश किया, रिलायंस ने उसको परचेज कर लिया, रिलायंस रिटेल ने परचेज कर लिया 24,000 करोड़ रुपए। अमेजोन ने उसके ऊपर आंखें गड़ा दी 24,000 करोड़ रुपए। पुराने तरीके यदि हम करते रहेंगे, हम लोग प्रोग्रेस करना बड़ा भारी काम। पुराने तरीके करिए, लेकिन पुराने तरीकों के अलावा नए नए जो इम्प्रूवमेंट आते जा रहे हैं हर एरिया में, कस्टमर सर्विस में इंप्रूवमेंट करिए, कस्टमर रिलेशन में इंप्रूवमेंट करिए। आपका कोई कस्टमर आके दफ्तर के अंदर ये नहीं बोलना चाहिए मेरे फलाने उस आदमी ने, एजेंट ने मेरे को चीटिंग कर दिया। माना कि आपको उस कस्टमर से 1,000 तरीके की शिकायतें हैं, लेकिन वो आपके बारे में इस तरह की बातें आके सारी दुनिया को क्यों बोलता? फिर
चाहे वो जितना मर्जी खराब कस्टमर है, चाहे वो जितना मर्जी गंदा कस्टमर है, चाहे वो जितना मर्जी बेकार की बातें करता है, आपको उसके बावजूद उसके साथ रिलेशन बना के रखने हैं। आज उसको एक चीज पसंद नहीं आई तो ये थोड़ी ना जिंदगी में उसको कुछ भी पसंद नहीं आने वाला है। आज उसको एक चीज अच्छी नहीं लगी, आज उसको यदि आज यदि उसको ऐसा लगता है कि मेरे से पूछे बिना मेरा चेक डाल दिया, ये थोड़ी ना जिंदगी भर में वो गिला शिकवा उसका मेंटेन रहने वाला है। आज यदि उसका ये प्रॉब्लम है कि नहीं मैं दूसरे के पास लेकर गया था, दूसरे ने मेरे को कमलाक्ष गुप्ता ने बता दिया कि हाँ जी ये वाला प्लान आपने बेकार प्लान ले लिया है, आपके एजेंट ने आपको बेकार प्लान बताया है, मैं आपको अच्छा प्लान बताता हूँ, तो ये थोड़ी ना कि हमको गुस्सा करना है। हमको हमको यदि दूसरा कोई यदि कंसल्ट करता है, हमारा कस्टमर यदि किसी और एजेंट को या तो किसी और को जाकर कंसल्ट करता है, इवन लोग दूसरे ब्रांच मैनेजर्स को जाके एसडीएम को कंसल्ट करते हैं, बड़े बड़े एजेंट्स को कंसल्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हमको गुस्सा होना है कि आपने दूसरे को कंसल्ट क्यों कर लिया जी, हमने आपको ये वाला प्लान बता दिया था, आपने दूसरे को कंसल्ट किया इसलिए हम आपके साथ में कॉन्टैक्ट ही नहीं रखेंगे, हम आपका फोन ही नहीं उठाएंगे, ऐसा थोड़ी ना करना। रिलेशन जिंदगी भर के लिए बना के रखो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आज आप एक आदमी को नाराज करके छोड़ोगे, वो नाराज आदमी आपके 10 लोग खराब करेगा, 10 जगह आपकी रेपुटेशन खराब करेगा, पूरे दफ्तर के अंदर बदनामी होती है आपकी। आपस में एक ट्रांजैक्शन के ऊपर हमें नाराजगी हो सकती है, लेकिन इंसान से नाराजगी क्यों करते हो, उस आदमी से जिंदगी भर के लिए क्यों बिगाड़ के रखते हो, कितने दुश्मन पैदा करोगे। मत करो इस तरह का, ये क्या बोलते हैं बचपना, ये मत करो, ग्रो अप, रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करो, ग्रो अप, सीखो, ये सब बातें सीखनी पड़ेंगी। अभी थोड़ी देर पहले अजय जी कुछ प्रेजेंटेशन ऑनलाइन देने वाले थे कि मैं ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बना के बताऊंगा। अजय शुरू करो। अजय बताओ भाई, नहीं बताओगे? ओके, आपकी मर्जी अजय, यदि आप नहीं बताना चाहते, यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है, आपके अलावा यहाँ पे 5 लोग और भी हैं, टोटल हम लोग 6 लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको मौका मिल रहा है कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कैसे करें उसकी प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। खैर, जब जिंदगी में जब भी आपको सीखना है सीख लेना। फिलहाल होली का एडवांस मिल रहा है, एक एजेंसी 5 साल से ऊपर है, होली का एडवांस अप्लाई कर दीजिए, आज उसका आखिरी दिन है, क्योंकि कल सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, मंडे तो होली है, तो मंडे तो छुट्टी है, आज उसका आखिरी दिन है, आज यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल सकता है। क्लब मेंबरशिप अवेलेबल है, मैंने कल कैलकुलेशन भेजा था किसका कितना कितना लाइफ हो चुका है, किसका कितना कितना लैप्सेशन लाइफ है, पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर का जो लाइफ है वो लैप्सेशन में इस साल काउंट होता है, इसका कैलकुलेशन मैंने आपको भेजा था। अपना क्लब मेंबरशिप का थोड़ा सा बैलेंस चेक कर लीजिए, आपके पास सिर्फ आखिरी के 5 दिन है, और मार्च की क्लोजिंग शायद 1 या 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल तक शायद हो सकता है उसका जो पैसा है वो मुफ्त की चीज लेने का, एक ये भी तकलीफ है कि मुफ्त की चीज के अंदर एडवर्टाइजमेंट जरूर आता है। सो बचत प्लस न्यू मनी बैग 20 ईयर, न्यू मनी बैग 25 ईयर, जीवन शिरोमणि बीमा श्री, न्यू चिल्ड्रन मनी बैग, जीवन तरुण, जीवन उमंग, जीवन शांति, प्रधानमंत्री योजना, जीवन अक्षय, बीमा बचत, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट, जीवन और जीवन अरुण के कैंसर कवर, निवेश प्लस एंडोमेंट प्लस, ये सारे के सारे यहाँ पर दे रखे हैं। इसके अंदर इवन एंडोमेंट प्लस का भी ये मैंने अभी देखा है, मेरे को पहले नहीं पता था इसका एंडोमेंट प्लस का, इन्होंने डिटेल्ड इलस्ट्रेशन दे दिया। मेरे को आप में से कई सारे लोगों ने पहले भी पूछा कि भाई ये इसका जरा ये बताइए, इसका निवेश इसका जरा बताइए कि इलस्ट्रेशन इसका कैसे बनेगा, तो इलस्ट्रेशन इसका इन्होंने दे डाला है। एक भाई वो भी ले लेते हैं जो आपने अभी बोल रहा था, जीवन उमंग, लेकिन क्योंकि इसका इलस्ट्रेशन अभी अवेलेबल हो गया है तो इसको भी ले लेते हैं, ये तो वापस चला गया, दोबारा से करते हैं। ये वाला यूलिप प्लांट्स का इलस्ट्रेशन आप में से किसी ने बनाया क्या? नो सर, आप में से किसी ने बनाया? हाँ, नहीं बनाया, तो मैंने भी अभी इसको पहली बार देखा है। अच्छा, तो ये देखिए, ये इसके अंदर हमने बना लिया है, अच्छा हुआ ना, इसको खोलने का फायदा हुआ ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ नया हमें निकालने का, ढूंढने का, देखने का मौका मिला। सो एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं, जानने की कोशिश कर लेते हैं, और इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इसके अंदर दे रखा है, इधर दे रखा है ये वाला प्लान जो है, ओके, स्टार्ट लाइक दिस, 20,000 ईयरली हमने जमा किया, यूनिट लिंक का प्लान है, 20,000 ईयरली हमें जमा किया, बल्कि हम इसको रेगुलर की बजाय हम इसको सिंगल वाले को पहले कवर ना कर लें,
शायद आपके लिए ये वाला जो है ये ज्यादा यूजफुल रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद निवेश प्लस को पहले शुरू करते हैं। 0 साल का बच्चा है, 0 साल भी क्यों, बल्कि इसके अंदर हमें करना चाहिए 18 माइनस 5, 13 साल के बच्चे से हमें शुरुआत करनी चाहिए। या तो बच्चों के लिए भी आप क्यों करते हो, आप 30 साल से शुरुआत करो ना, 30 साल से हम लोग शुरुआत करते हैं। मिनिमम प्रीमियम 1 लाख, 1 लाख रुपए का FD है, टर्म इसको हमने 10 साल का लिया और ये इसका इलस्ट्रेशन है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और आपके किस तरीके से काम आ सकता है। सो यहाँ पर लिखा है 30 साल का आदमी है, 0 से 17 साल का एज है, बहुत लंबे समय से यहाँ पर लीडर के अंदर अवेलेबल नहीं था यूनिट लिंक का इलस्ट्रेशन, अभी आज पहली बार मैंने भी इलस्ट्रेशन देखा है। आप में से किसी ने पहले देखा इसमें लीडर में, या तो ऑलिमन में, या तो ब्लिस में, या तो मैजिक में, या तो परफेक्ट में? नहीं देखा इलस्ट्रेशन। ओके, सो यहाँ पर अवेलेबल है, आप सभी अपना अपना लीडर अपडेट कर लीजिए, लीडर गूगल प्ले स्टोर में जाके उसको अपडेट कर लीजिए, जिससे कि यहाँ से यूनिट लिंक का इलस्ट्रेशन आप ले सकें और यूनिट लिंक आप आसानी से दे सकें। सो 5 साल का FD को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। 5 साल का FD, आपको कभी 5 साल का FD मांगा कि मुझे 5 साल का FD दे दो? कई ने सर मांगा है। हाँ जी, बहुत ने सर, बहुत ने मांगा। तो आपने क्या किया फिर 5 साल का FD जिसने जिसने आपसे मांगा, आपने उसका क्या किया? उसको कन्वर्ट किया दूसरे उसमें करने का, 10 साल। राइट। तो लेकिन 5 साल का FD तो हमारे अवेलेबल था, बेस प्लस तो हमारे पास 5 साल का FD तो अवेलेबल था, 1 लाख रुपए जमा करो, 5 साल का फिक्स डिपॉजिट है हमारे पास अवेलेबल है। तो जब ये अवेलेबल था तो फिर दूसरे में कन्वर्ट करने की जरूरत थी क्या, जब हमारे पास ऑलरेडी 5 साल का FD अवेलेबल था तो इसको दूसरे में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या थी? कि भाई मार्केट वाला प्लान नहीं चाहिए, वैसा चाहिए, मार्केट वाला प्लान नहीं चाहिए। राइट, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे कि मार्केट वाला प्लान नहीं चाहिए, कुछ लोग हैं जो कि मार्केट वाले प्लान के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? हमें उस आदमी को मार्केट वाला प्लान बिल्कुल नहीं देना है जिसको नहीं चाहिए, हमें उसको प्लान जरूर देना है जो कि इसके अंदर कंफर्टेबल है। हमें सबसे पहले उसको क्लियर करना है, हमें बिल्कुल क्लियरली बता के सेल करना है, जो भी चीज हम सेल कर रहे हैं क्लियरली बता के हम सेल कर रहे हैं कि उसको पसंद आना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए, उसकी जरूरतों के हिसाब से मैच करना चाहिए। एक आदमी का मान लीजिए कपड़े खरीदने के लिए मार्केट में गया, शर्ट उसका पतला दुबला आदमी है और उसको 44 नंबर की शर्ट दे दी, उसको एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सएल की शर्ट दे दी, वो बेचारा सर पीटता रहेगा, यार ये मुझे क्यों दे दिया। हमें ध्यान रखना है कि उसको क्या देना है, उसके बच्चे नहीं है, हम उसको बच्चों का प्लान बता रहे हैं, तो हमें ये सब गड़बड़ियां नहीं करनी है। तो इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट वाला प्लान बिल्कुल नहीं चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है मार्केट वाला प्लान नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोग तो हैं ना जो मार्केट वाला प्लान लेने को तैयार हैं। अच्छा, इसमें मार्केट वाला प्लान के अंदर आपका शेयर अभी पिछले मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मार्केट वाले इस वाले प्लान के अंदर भी सारा पैसा आपका शेयर मार्केट में थोड़ी ना लग रहा है, यहाँ पर भी आपका जो पैसा है जो लग रहा है। एक था सर वो कहता है मार्केट वाले चाहिए, दूसरा चाहिए ही, तो ऐसे भी है। तो ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, अपन को वो वाला प्लान लेके चलना है जो कि कस्टमर को पसंद है। अभी उसमें मार्केट वाला हो बिना मार्केट वाला हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें कस्टमर की पसंद नापसंद का ध्यान रखना है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपको पसंद है इडली डोसा, अब आपको इडली और डोसा पसंद है, वो छोले भटूरे लेके आएगा, आपको वो रेस्टोरेंट पसंद थोड़ी ना आएगा। बिल्कुल सर, जो उसकी पसंद है फिर तो उसी पे फोकस करना शुरू करते हैं। क्या जो उसकी पसंद है सर उसी पे फिर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं हम तो। बात है, सो यहाँ पर इसमें लिखा है LIC वेज प्लस के अंदर, इसके अंदर ये लिखा है सिंगल प्रीमियम यूनिट लिंक प्लान फॉर यू LIC निवेश प्लस टुडे। सो लोग ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी देख रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोगों को थोड़ा सा ऑनलाइन भी सीखना पड़ेगा, यदि हमें नहीं आता है तो वो भी सीखना पड़ेगा। गूगल में मैंने लिखा LIC का निवेश प्लस, तो इसके अंदर एडवर्टीजमेंट आ गया। ये एडवर्टीजमेंट सबसे ऊपर आता है, इसका पैसा कितना लगता है? अच्छा, सबसे ऊपर एडवर्टीजमेंट में आपका नाम आएगा तो कैसा रहेगा? एडवर्टीजमेंट नजर आ रहा है आपको, एड लिखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में एड लिखा है। हेलो, अरे जवाब ही दे तुम्हें,
95% तो एजेंट ही देखेंगे। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि गूगल में एक आदमी ने सर्च किया, अभी हमने सर्च किया गूगल में एमएसई निवेश प्लस, आपको ये निवेश प्लस लिखा हुआ नजर आ रहा है गूगल में, हमने सर्च किया। बिल्कुल सर, आपके फोन में गूगल है, आपके टैब में गूगल है, आपके लैपटॉप में गूगल है, आपके डेस्कटॉप में गूगल है, सब जगह गूगल है। अच्छा, आपके स्मार्ट टीवी यदि आपके पास है तो स्मार्ट टीवी में भी आपके पास गूगल अवेलेबल है। यस सर। अभी आपने इसमें निवेश प्लस डाला, सबसे ऊपर लिखा है एडवर्टाइजमेंट, तो डाला था हमने गूगल में सर्च करने के लिए, सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ गया, ऐसा क्यों? या तो पेड किसी ने खरीदा हो, पेड किया हो इसके लिए। इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे ऊपर आपका नाम नंबर और आपका फोटो आएगा तो कैसे रहेगा? बहुत ही बढ़िया सर, बढ़िया। कितना रुपया लगता है गूगल के अंदर एडवर्टाइजमेंट देने का? पता नहीं सर। 85 रुपीज। ओनली 85 रुपया। ये कैसे पे करना होता है सर, कैसे कैसे सब कुछ? इसको बोलते हैं गूगल एडवर्ड्स। आपने गूगल एडवर्ड्स परचेज कर लिया तो गूगल एडवर्ड के अंदर वो आपसे पूछता है आपको कितना कितनी जगह एडवर्टाइजमेंट चलाना है, क्योंकि गूगल कई करोड़ लोग देखते हैं। ये तो आज ही पता चला। 85 रुपए के अंदर ये वाला एडवर्टाइजमेंट बनता है, 85 रुपीज ओनली। अभी आपने उसको बोला, गूगल को बोला, देखो भाई मेरा बजट है, मैं एक दिन का 500 रुपया लगाने को तैयार हूँ, अभी एक एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है 85 रुपया। तो गूगल बोलेगा ठीक है भाई, आप बताओ किसको किसको दिखाना है, सिर्फ शालीमार बाग वालों को दिखाना है तो हम शालीमार बाग वालों को दिखा देते हैं, वो शालीमार बाग वालों को दिखा देगा। शालीमार बाग एरिया से किसी ने भी ढूंढा तो वो शालीमार बाग एरिया वाले को दिखा। अभी मान लो 90 रुपए का एक है, तो 90 रुपए के हिसाब से जब तक आपने बोला मेरे को एक दिन में 500 रुपए से नहीं खर्चा करना, आपने 500 दे दिया, जैसे ही 5 लोगों को एड दिखाएगा उसके बाद वो दिखाना बंद कर देगा। उन 5 लोगों ने आपका जो जवाब दिया सो दिया, इसको बोलते हैं गूगल एडवर्ड्स। आप गूगल एडवर्ड्स में डालेंगे, आप उसको बताएंगे कि किस तरीके का सर्च होएगा तो आपको मेरा ऐड दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा कि वहां पर ये जो सर्च था इसके अंदर यहाँ पे निवेश प्लस सर्च, यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर यहाँ निवेश प्लस हमने सर्च किया, एलआईसी निवेश प्लस। तो एलआईसी ने क्या कर रखा है, अभी ऐड किसने दिया है यहाँ पे, ये देखो क्या लिखा है, LIC India.in, LIC ने एडवर्टाइजमेंट दिया है, LIC ने एडवर्टाइजमेंट देकर क्या किया है, 90 रुपए का एक ऐड। अब LIC जो है 500 रुपए का एक दिन का बजट नहीं रखती है, LIC क्या बोलती है 5 लाख रुपए एक दिन का रखो। चलो अब 5 लाख रुपए में एक एडवर्टाइजमेंट 90 रुपए का, अब यहाँ पे हमने इसको एड को देखा, देखने का पैसा नहीं है, हमने इसको क्लिक कर दिया, LIC का 90 रुपए ठुक गया। अब क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, वो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक बार कस्टमर ने क्लिक कर दिया, क्लिक करने का 90 रुपया, लेकिन क्लिक करके कस्टमर ने आपको, समझो आपका फोन नंबर है, आपका फोटो है, आपका नाम है, कस्टमर ने आपको कांटेक्ट करके बोला ठीक है मनीष जी मुझे ना आप ये वाला बता दीजिए प्लान, आप गए आपने उठा लिया 5 लाख रुपए का चेक सिंगल प्रीमियम का उठा लिया, 10,000 रुपए आ गया। आइडिया अच्छा है कि खराब है? तो आप कह रहे हैं 85 वो क्लिक करते ही खत्म हो जाता है? नहीं, क्लिक करने का कॉस्ट 85, मान लो 85। क्या है कि हर एक वर्ड का रेट अलग अलग है। अब जैसे LIC निवेश प्लस, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, हो सकता है इसका 85 रुपए ना हो, इसका 60 रुपए का रेट हो। ये वाला जो आपने फ्रेज लिखा LIC निवेश प्लस, आपने गूगल को क्या बोला कि जो भी LIC निवेश प्लस गूगल ने सर्च करेगा और शालीमार बाग का आदमी होगा, शालीमार बाग का आदमी होगा और उसका उम्र 18 से लेकर 65 के बीच में होगा, आप उनको पूरा ये डिटेल बता सकते हो मेरे को कौन सी उम्र से कौन सी उम्र के सर्च करने वाले लोग चाहिए। अच्छा, उसके अंदर आप ये भी बता सकते हो मुझे फोन से सर्च करने वाले लोग चाहिए, या तो लैपटॉप से सर्च करने वाले लोग चाहिए, या तो डेस्कटॉप से सर्च करने वाले लोग चाहिए, या तो टैब से सर्च करने वाले लोग चाहिए। अब गूगल आपसे 60 रुपया ले लेगा, मान लो 60 रुपए का रेट है, वो 60 रुपए के अंदर 60-60 रुपए के अंदर जितने 500 रुपए के अंदर जितने ऐड दिखा सकते हैं दिखा डालेगा। एक बार किसी ने क्लिक कर लिया, जैसे ही क्लिक किया आपका 60 रुपए लग गया। अच्छा, उनमें से कितना बिका नहीं बिका वो आपकी मर्जी, वो आपकी किस्मत। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। क्लिक करने का चार्ज, हाँ जी बोलिए, क्लिक करने का चार्ज है सर, वो क्लिक करने का चार्ज है। आप गूगल को बोल सकते हो भाई मैं रोज का 100 रुपए भरने को तैयार हूँ, या तो आप उसको बोल सकते हो मैं हफ्ते में 100 रुपए भरूंगा। आप गूगल को बोल सकते हो मैं हफ्ते में 100 रुपए भरूंगा, मैं हफ्ते में 100 रुपए भरूंगा, आप मेरे को इसको मेरा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बना दो, मैं महीने का 400 रुपए ऐड देने को तैयार हूँ। अभी उनमें से एक आधा आ गया, आपका पैसा वसूल है ना।
इनकी सेल हो गया, पैसा वसूल है कि नहीं है? वही होगा सर, वही होना है। तो एडवर्टाइजमेंट आप गूगल एडवर्ड के थ्रू कंसिडर कर सकते हो, आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि हाँ गूगल पर एड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसके अंदर गूगल एडवर्ड, गूगल एडवर्ड थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि हाँ मेरे को गूगल के ऊपर एड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप गूगल एडवर्ड इसके अंदर खोल के देखोगे, आप देख रहे हो सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट है, उसके नीचे एडवर्टाइजमेंट है, उसके नीचे एडवर्टाइजमेंट है, चौथा भी एड है, चार एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद सर्च रिजल्ट शुरू होते हैं, यहाँ से सर्च रिजल्ट शुरू हो रहे हैं। शुरू में सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट है यार। एड किसने दिया है? upgrade.com। दूसरा एड किसने दिया है? advertise.taboola.com। ये कंपनियां हैं जिन्होंने एड निकाला है। ciso.io इन्होंने एड निकाला है। ऐसा करके ऐड कोई भी निकाल सकता है, आपकी मर्जी, आप भी निकाल सकते हैं। आप गूगल ऐड को कांटेक्ट करोगे, ऐड मिल जाएगा। ये LIC का निवेश प्लस का यहाँ पर है। तो हम लोग निवेश प्लस की बजाय हम लोग बात कुछ और कर रहे थे। हम लोग इसके अंदर जो बात कर रहे थे कि इसके अंदर हम लोगों को जो इसका इलस्ट्रेशन है, उसका इलस्ट्रेशन का हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब नई इलस्ट्रेशन निकाल लिया इन्होंने, लीडर ने नई इलस्ट्रेशन निकाली है, तो हमको इसका नई इलस्ट्रेशन का फायदा लेना चाहिए। ये सुनो, आप में से इलस्ट्रेशन खोल देगा किसी ने इसका अभी तक निवेश प्लस का? नहीं सर, नहीं देखा। 49-30 साल का आदमी है, निवेश प्लस है, निवेश प्लस प्लान के हिसाब से 1,25,000 रुपए का इंश्योरेंस हो गया, 10 साल का पॉलिसी टर्म है। 10 साल का पॉलिसी टर्म का मतलब ये नहीं है कि 10 साल में आप पैसा निकाल सकते हैं। 10 साल का पॉलिसी टर्म का ये मतलब है कि 5 साल के बाद जब भी आप चाहें तो पैसा आप निकाल सकते हैं। 1,25,000 रुपए का इंश्योरेंस है, इनिशियल NAV 10%। कर सकते हैं गारंटीड एडिशन, छठे साल में गारंटीड एडिशन हो गया आपका 3,000 रुपए का। आपका पॉलिसी का वैल्यू 5 साल के बाद आपने निकाल लिया इसको, 1,41,014 रुपए पांचवें साल में है इसका गारंटीड एडिशन जो है इसका पांचवें साल में है। आपने इसका पैसा निकाल डाला, आप इसका पैसा निकाल सकते हैं, इसका विड्रॉल अवेलेबल है, आप इसका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ये पैसा आपका बढ़ता चला जाता है, उसके बाद 2030 में 39 की एज में यानी कि 10 साल में दोबारा से इसका गारंटीड एडिशन आपको मिल रहा है। तो ये 4,000 रुपए का गारंटीड एडिशन, 4,000 रुपए के यूनिट्स आपको मिल गए, आपको टोटल पैसा मिल रहा है 1,28,000। अब 5 साल में कोई आदमी कहता है भाई 5 साल के अंदर कितना मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ 1,41,014 रुपए। 8% का भी यदि रिटर्न आया तो 1,41,014 रुपए यार तो करना चाहिए। That is good. This is a good. आपको यूनिट लिंक बेचने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत कुछ नहीं आती सर, उस टाइप के कस्टमर से नहीं मिलते सर, दिक्कत कुछ नहीं आती सर। चलो कोई बात नहीं, स्पेशल हमारा जो ऑब्जेक्टिव यूनिट लिंक बेचने का नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कुछ ना कुछ सेल होना चाहिए, भले ही वो यूनिट लिंक हो जो मर्जी हो, हमें उससे कोई लेने देना नहीं है। हमारा सेल होना जरूरी है, जो मर्जी सेल होए, जो मर्जी बिके, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। सेल होना जरूरी है, क्या बिका दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि उसकी जरूरत के हिसाब से हम बढ़िया से बढ़िया प्लान दे पाए, बढ़िया से बढ़िया हम उसी कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए, जो मर्जी बिके। आपका पसंद प्लान कौन सा है? आपने आज या कौन सा प्लान के बारे में प्रेजेंटेशन दिया, कौन कौन से प्लान के बारे में लोगों को बताया? आज किसी को बात हुआ, कल किसी को बात हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ? आप बोलना चाहेंगे? कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है क्या? नए लोगों से बातचीत नहीं हो रहा है क्या? यदि नए लोगों से बातचीत नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि यदि आगे बातचीत नहीं होएगा तो फिर भाई सेल कैसे होगा? अच्छी बात है, प्लान्स के बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त किया, तो आपको आज का हमने डिस्कशन किया अलग अलग तरीके से, तो आपके ये काम आया? यस सर।
बढ़िया, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करिए, इस्तेमाल करिए और सेल करिए। आज आपका दिन बढ़िया रहे, शुभ रहे, आप शाम सेल करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए। जिन लोगों को पहले से जानते हैं उनको भी मिलिए, उनको भी नए नए प्लान का प्रेजेंटेशन दीजिए और इसके अलावा नए लोगों को भी कॉन्टेक्ट करिए।